हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कोई सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे कोई कॉर्ड है सर्कल के अंदर और ये सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे ये कॉर्ड है ना, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो ऐसे बन गया इस कॉर्ड की वजह से, जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन गई है, जिसको मैं ब्लू कलर से ये शेड कर रहा हूँ, ये सेगमेंट होती है। सेगमेंट होता है सर्कल का पार्ट। जब कोई कॉर्ड ऐसे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है तो हम इन पार्ट्स को सेगमेंट बोलते हैं। बड़े को मेजर सेगमेंट, छोटे को माइनर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रही है वो ये है, जिसे मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ। तो इसका एरिया निकालना है। ये सेगमेंट बना, इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, सेगमेंट का जो एरिया है वो निकलता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सेक्टर बन जाता है। जब ये सर्कल है, ऐसे सेंटर हम दो रेडियस ज्वाइन करते हैं तो ये सेक्टर बन गया। अब सेक्टर में से जब ऐसे कॉर्ड को ऐसे खींचते हैं तो ऊपर ट्राइंगल बन गया। तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाता है। तो पहले तो लैंग्वेज में लिखेंगे इसे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब ट्राइंगल पे आते हैं। देखिए, ट्राइंगल अगर है आपका 90 डिग्री सेंटर पे बन रहा है तो राइट ट्राइंगल हो गया। तो फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट लग जाता है। अगर 60 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे, मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है तो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं और यहाँ पे कोई और एंगल आ जाता है, फिर हम सवाल को कैसे करते हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर नई चीज़ है जो सीखने की है। तो आप ध्यान देना, जब भी यहाँ सेंटर के ऊपर आपका इस तरह का कोई एंगल आ जाए, जैसे 120 आ गया है यहाँ पे, तो फॉर्मूला बनता है हाफ साइड का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो दोनों साइड है ना, ये बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे बराबर ही है, तभी ये चीज़ आपकी अप्लाई होती है। हाफ साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे वो है जो ये चीज़ है। तो जब भी आपका यहाँ पे 60 से अलग या 90 से अलग आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ इंटू साइड का स्क्वायर। साइड्स तो यही हो गई इसकी, जैसे यहाँ पे साइड होती है, बेस और हाइट होती है, साइड होती है, यहाँ साइड होता है, ऐसे ये भी ये साइड का स्क्वायर है और साइन थीटा लग जाता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला बनता है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। थीटा 360, थीटा सेक्टर के लिए कितना है 120 अपॉन 360 डिग्री पाई। पाई की जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि पाई की जगह आपको यूज करना है 3.14 और रूट 3 की जगह पे यूज करना है 1.73। अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पर्टिकुलरली लिखा हो तो फिर आप पाई वो ही यूज करेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है, अदरवाइज आप पाई की जगह 22/7 यूज करते हैं। तो यहां आपको 3.14 ही यूज करना है। तो 3.14 और रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 12 माइनस। अब आते हैं ट्राइंगल पे, तो ये हाफ हुआ और साइड, साइड ट्राइंगल की साइड क्या हुई, जो इसका रेडियस है वही तो हुई, तो 12 इंटू 12। और साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे 120 360 कट गए, 0 से 0 कट गए, 12 1 और 12 3 ये कट गए। अब इसको मैं आगे 3 को मैं इससे काट सकता हूँ 12 से, ये 3 से कट रहा है मेरा, 3 1 और ये 3 4 बस। नीचे तो अब कुछ बचा नहीं, तो कुछ कटेगा भी नहीं। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150.72 माइनस। आगे यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 2 1 और 2 6 ये कट गया,
ट्वेल्व सिक्स जार 72, इसको 6 × 12 अभी नहीं काटते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं आगे सॉल्व के लिए। 6 × 12 लिखता हूँ मैं इसे स्टेप में, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे कुछ करना है। sin 120 का मुझे क्या करना है, देखिए sin 120 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डायरेक्ट हमको नहीं पता होती है, तो sin 120 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे। sin 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री -60 डिग्री। भाई 120 है ना ये, तो 120 कब आएगा, जब 180 -60 करेंगे, तो sin 180 -60। और जब इस तरह का ये एक्सपेंशन होती है ना, जब हम sin 180 में किसी एंगल को तोड़ते हैं, तो उसकी वैल्यू वो बन जाती है जो यहाँ माइनस के बाद होती है। यानी sin 180 -60 की वैल्यू sin 60 के ही बराबर होगी। तो ये जो sin 120 है, इसकी वैल्यू sin 60 के बराबर ही होगी। तो यहाँ फिर से इसको कॉपी कर देते हैं कि हमने इसको चेंज किया है, तो ये sin 60 के बराबर ही होगा। फर्दर स्टेप में इसका तो कुछ करना नहीं है, 150.72 माइनस, और यहाँ पे 6 × 12 × अब sin 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये जो नीचे वाला 2 है ये इस एक नंबर से कट जाएगा, इससे काट दे या इससे काट दे एक ही बात है। तो 2 1s are और 2 6s are 12। नेक्स्ट स्टेप में 150.72.72, और ये हो गया आपका 36, 6 6s are 36 हो गया, इनटू में √3। √3 क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की जगह आपको 1.73 ही यूज करना है, तो कर दिया 1.73। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको और आपका आंसर। तो 150.72 माइनस, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 62.28, और इन्हें जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 88.44। सारा जो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में है यूनिट्स, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, पिछले वाले जैसे क्वेश्चंस की तरह ही है ये। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होता है बेसिकली। इस क्वेश्चन के अंदर नई चीज क्या है कि जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, ये आपका कुछ अलग है, ना तो 60 है और ना 90 है, ये 120 है। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाता है हाफ साइड का स्क्वायर और sin θ। अब अगर ये ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं पता होती है, तो फिर इसको हम 180 -θ में तोड़ लेते हैं, यानी कि 180 -θ में तोड़ लेते हैं। और फिर जो आता है, जो यहाँ पे जैसे कि इसको 180 -60 तोड़ा ना, तो sin 60 ही इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी sin 120 sin 60 बराबर। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये रख देंगे, सॉल्व करते हैं आपका आंसर। तो नई चीज़ इसके अंदर यही थी सीखने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।